मजिस्ट्रेट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी विड्रॉ की है, मगर जो थ्रेट लेटर एक मजिस्ट्रेट को लिखी है जिसमें मजिस्ट्रेट को मारने की धमकी दी है और साथ में मुझे भी मारने की धमकी दी है, ये जो वो दिल्ली सरकार का अपॉइंट किया हुआ एडवोकेट उसने ऐसे ऐसे आर्गूमेंट किए कोर्ट में, मुझे ये कहना पड़ा कि ये लग रहा है कि स्टेट का वकील नहीं, ये जगदीश टाइटर का वकील है। और ये तो आज तो साफ ये लग रहा था कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है ये जगदीश टाइटर को बचाने के लिए। आज जगदीश टाइटर वाला केस दिल्ली हाईकोर्ट में लगा था, जो गवाह अभिषेक वर्मा जिसको सिक्योरिटी हाईकोर्ट ने दी थी और सिक्योरिटी वो दिल्ली पुलिस ने विड्रॉ कर ली है, और जब ये मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल की तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि इसको 4 हफ्ते के लिए सिक्योरिटी दो, और फिर उसने कहा कि हाईकोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करो। और ये मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में लिखा भी है कि सीबीआई कहती है कि ये इंपॉर्टेंट विटनेस है और इसकी सिक्योरिटी जो विड्रॉ करना वो सही नहीं है, मगर ये फाइनल ऑर्डर हाईकोर्ट करेगी और उन्होंने 4 हफ्ते के लिए ये सिक्योरिटी के ऑर्डर कर दिए थे। आज जब ये हाईकोर्ट में केस लगा तो बहुत ही आज हैरानी की भी बात है और बहुत दुख की भी बात है। कोर्ट में ऐसा लगा जैसे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया जगदीश टाइटर को बचाने के लिए, इस तरह का। और ये जो केस है जो अभिषेक वर्मा जिसमें गवाह है और जिसमें ऑर्डर किया है जो 4 दिसंबर 2015 में जो ऑर्डर किया है ये कोर्ट ने कि सीबीआई इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे और अभिषेक वर्मा की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, 5 साल हो गए उसको सीबीआई अभी तक लेके बैठी है। दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसको सिक्योरिटी दो, दिल्ली पुलिस ने उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। मजिस्ट्रेट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी विड्रॉ की है, मगर जो थ्रेट लेटर एक मजिस्ट्रेट को लिखी है जिसमें मजिस्ट्रेट को मारने की धमकी दी है और साथ में मुझे भी मारने की धमकी दी है और साथ में अभिषेक वर्मा को भी मारने की धमकी दी है, मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये लेटर को दिल्ली पुलिस ने कंसिडर नहीं किया, इसलिए इस लेटर को भी कंसिडर करके दिल्ली पुलिस इसकी सिक्योरिटी के बारे में फिर फैसला ले। आज जब वो हाईकोर्ट में केस लगा तो हाईकोर्ट में सीबीआई की तरफ से वकील पेश हुआ और स्टेट की तरफ से वकील पेश हुआ, और स्टेट की तरफ से जो पैनल है स्टेट का हाईकोर्ट में वो आम आदमी पार्टी के अंडर है और आम आदमी पार्टी उस पैनल को अपॉइंट करती है, और ये रोज की लड़ाई रहती है इनकी आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी के लॉयर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स हैं उनमें भी रोज की इनकी लड़ाई रहती है कि वो नहीं पेश हो सकते ये जो दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किए हुए एडवोकेट हैं वही पेश होंगे। और ये आज ये जो वो दिल्ली सरकार का अपॉइंट किया हुआ एडवोकेट उसने ऐसे ऐसे आर्गूमेंट किए कोर्ट में, मुझे ये कहना पड़ा कि ये लग रहा है कि स्टेट का वकील नहीं, ये जगदीश टाइटर का वकील है। इतना ज्यादा अपोज किया, उसने कहा कि इसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो गया और कोई टेस्ट इसका है नहीं, अब इसकी जरूरत ही नहीं। तो इवन कोर्ट ने भी उसको कहा कि अगर तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट नेगेटिव होता तो बात और थी, मगर जब पॉजिटिव है और सीबीआई कह रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई कह रही है ये हमारा विटनेस है, तो आप कैसे कह रहे हो कि इसकी जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी वो पूरे जोरों शोरों से पोस्ट करने के लिए लग रहा, उसने यहां तक के जो विटनेस है उसके खिलाफ भी बहुत कुछ बोला, ये जेल में रहा है जी, ऐसे है जी, ऐसे है जी, ऐसे है। मुझे ये बताओ ये कौन सा कानून है कि अगर कोई आदमी जेल में रहा है तो गवाह नहीं हो सकता। ये जो इस तरह का जो एटीट्यूड इसका, और मुझे बाद में ये कोर्ट को ये भी कहना पड़ा कि ये अगर केस आज तक जिंदा है तो ये केस सिर्फ कोर्ट की वजह से जिंदा है, अगर ये पुलिस के ऊपर छोड़ा जाता ना के कले केस को खत्म करते, ये तो गवाहों को भी मार देते, इस तरह से इसका एटीट्यूड है। और आज वो जो स्टेट का एडवोकेट है उसको तो देख के मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर है और ये जो स्टेट का एडवोकेट है ये आम आदमी पार्टी के अंडर है, और ये तो आज तो साफ ये लग रहा था कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है ये जगदीश टाइटर को बचाने के लिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी ये कुछ हो रहा है। फिर उसने ये कहा कि इसको पुलिस ने कहा इसको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं,
जो तो मुलजिम है उसको तो 30-30 लोग दिए हुए हैं, जगदीश टाइट को 30 लोग दिए हैं, और जो विटनेस है, जो गवाह, उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार है उसको बेसिक सिक्योरिटी ने। फिर इस वकील ने कहा कि ये बताए कि इसको कितनी देर सिक्योरिटी चाहिए, सीबीआई से पूछने की बजाय कि सीबीआई क्या कहती है, इसको कितनी देर सिक्योरिटी चाहिए, वो गवाह से पूछ रहा है इसको कितनी देर सिक्योरिटी चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताएगी, कब इसकी स्टेटमेंट वो कब कोर्ट में रिकॉर्ड करेंगे, गवाह को क्या पता, कोर्ट में स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करनी है। तो मुझे ये कहना पड़ा कि जो मुलजिम है उसको तो 35 साल से इन्होंने 30 लोग दिए हुए हैं, 35 साल से दिए हैं, और गवाह के लिए बेसिस सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो इस तरह का एटीट्यूड ये लग रहा है आज भी, कांग्रेस तो पहले इनको बचा ही बचा रही थी, और आज ये लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी इनको बचाने के लिए तुल गई। मगर ये आई एम सो ग्रेटफुल टू द हाई कोर्ट, जो जज साहब थे जस्टिस योगेश खन्ना, इनके साहब के कहने के बावजूद भी जस्टिस योगेश खन्ना ने आज ऑर्डर किया कि इसकी सिक्योरिटी कंटिन्यू करो, इसको सिक्योरिटी रेगुलर 24 आवर सिक्योरिटी दी जाए, मिले, और अब आप रिप्लाई फाइल करो, उसके बाद में फैसला करूंगा। ये बहुत ही एक आज मलके बड़े एक दुखी हृदय से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आज भी ये कुछ हो रहा है, 35 साल के बाद भी ये इस तरह से ये सरकारें इन मुलजिमों को ऐसे ऐसे बचा रही हैं। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।